ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनक्यूमुलिंस क्यूमिलिंस ठीक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमिलिंस। तो क्यूमिलिंस क्या देखो अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एडजेसेंट है उसको हम लोग क्यूमिलिंस बोलते हैं। जैसे देखो ये सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल ग्रुप्स पी आर यहाँ पे डी आर यहाँ पे ठीक है। देखो ये है इसका नाम है एलीन। इसका नाम क्या है एलीन ठीक है। अगर ऐसा हम लोग बनाए सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे लिखोगे एच यहाँ पे पी आर यहाँ पे पी आर और यहाँ पे एच ठीक है। तो इसका नाम है क्यूमिलिन। अगर ऐसा है सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी अभी आ गया मेरे दिमाग में ये क्यूमिलिन टेट्राइन है। ये क्यूमिलिन ट्राइन है क्यूमिलिन ट्राइन क्यूमिलिन ट्राइन क्यूमिलिन ट्राइन इसको हम लोग एलीन बोलते हैं। बाद में फिर ट्राई टेट्राइन पेंटाइन पेंटाइन चलते रहता है समझ में आ रहा ना। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा 1 2 3 4 1 कॉमा 4 डायब्रोमो 1 कॉमा 4 टेट्रा 1 2 कॉमा 3 ट्राइन जब आप एक को घुमाओगे तो सारे बॉन्ड टूटने वाले समझ में क्या। जैसे इनको घुमाएंगे तो क्या होगे अगर इसको घुमाएंगे ये बॉन्ड अपने में टूट जाएंगे क्योंकि जुड़े हुए ना डबल बॉन्ड समझ में आ रहा है। तो इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा वो देखेंगे। देखो ये एक्चुअली स्पेशल ट्रिक करेगा बच्चा दिख रहा है बच्चा ये ब्रोमीन अच्छा ने हमको एक ही सिस्टम बना दिया सेम इसको ऐसे और यहां पे HBr HBr सेम इसको HBr बोल कर सकते तो एक सिंपल लॉजिक से बताओ कि यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है अलग-अलग ग्रुप से अटैच है नहीं है। तो एक पहले जो समझना है बाद में समझाऊंगा पहले रट लो। देखो देखो इवन क्यूमिलिन डू नॉट शो जी आई लेकिन याद रखना बट और क्यूमिलिन जो रोबो है जो जिंदगी का मजा बस ऊपर ऊपर से लेना चाहते हैं उनके लिए देखो यहाँ पे जीआई नहीं होगा यहाँ पे जीआई होगा यहाँ पे जीआई नहीं होगा। ये इवन है ये तीन है इसके ऑड ये चार इसके बोला कब का इवन क्यूमिलिन डू नॉट शो जीआई एंड बट ऑड क्यूमिलिन शो जीआई अभी समझा था क्यों मेरे पास लाइट नहीं है प्रोजेक्टर ऑन नहीं कर सकते इसलिए अभी समझना क्यों। देखना भैया ध्यान से C डबल बॉन्ड C यहाँ पे H यहाँ पे Br यहाँ पे LH और यहाँ पे Br सबको बताओ ना जी एक दो तीन sp एक दो sp एक दो तीन sp तो मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहूंगा आपके लिए। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये sp और यहाँ पे sp2 है ना। यहाँ पे कितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है एक पी थ्री होते ना यहाँ पे कितने हैं दो समझ में आ रहा है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं वही क्या बनाते हैं पाई बॉन्ड ठीक है। आप लोग सपोज करो तो आप लोग बनाते हैं देखो ये ऐसे बनेंगे देखो हम इस तरह से ये बनाते हैं देखो ये देखो अभी देखना ट्राइगोनल प्लेन ज्योमेट्री है देखो बड़ा ठीक है बड़ा छोटा ये बड़ा ये बोलो क्या आपका छोटा तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए sp3 एक अनहाइब्रिडाइज है ना इसको बड़ा बनाएं
ये वर्क आपका अनहाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है। अब इसमें क्या sp, ये कार्बन यहां पे दिख रहा है आपको, देखो बड़ा छोटा दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। देखो फिर से ये बड़ा, अरे बोलो आपका छोटा, sp मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज कर लिए। और देखो यहां पे बड़ा छोटा, समझ में आया? अब इसकी कितने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बाकी है? दो। देखो एक बड़ा और ये दूसरा बड़ा, बस समझ में आई? बस समझ में? अभी देखो इसको, ये भी sp2 है ना, एक हाइब्रिड एक ऑलरेडी यूज कर लिया है, ये दूसरा बड़ा छोटा, बड़ा है छोटा, तीन से खत्म हो गए। एक अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये देखो ऐसा अनहाइब्रिडाइज्ड ना, देखो देखो ऐसा एक अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड। बात समझ आ रही? अभी समझे बात को, देखो सपोज है ना, यहां पे देखो ये आपका px यूज हो गया, ओके देखो हाइब्रिडाइज sp2 है ना, सपोज हम लोग बोलते हैं यहां पे s हाइब्रिड हो गया, p के दो होने वाले थे px और सपोज हम py यूज हो गया। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए देखो ये px और यहां पे ऑलरेडी किसका ऑर्बिटल हो, ये भी किसका होगा px, खत्म हो गया। देखो यहां पे sp है और यहां पे कौन सा मतलब का sp2 है, देखो ये px यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली इसका भी कौन आना चाहिए px, px px खत्म हो गए। समझ आ रहा है? उसके बाद देखो यहां पे मैंने py यूज कर लिया सपोज, समझ आ रहा है? py खत्म, बच्चा कौन बोला आपका pz ना, pz वैसे ही दिख रहा है। और देखो ना ये अभी एक बाकी ये s वाला, ठीक है सेम यहां पे देखो, आपने px यूज कर लिया, कितने बच्चे बोला आपके अभी py py है pz, तो देखो अभी pi bond बनाना है, इसका कौन सा यूज होगा pz, इसका कौन सा यूज होगा pz, समझ में आ रहा है? और यहां पे px py यूज कर लिया, इसका कौन सा मतलब का pz, ये बन गया एक pi bond बन गया। देखो ये पहला pi bond, अभी देखना आपने इसका pz यूज कर लिया है और px तो यहां पे यूज हो गया, दिख रहा है? और s ये देखो sp है ना, px यहां पे यूज हुआ, s यहां पे यूज हो गया, अभी कौन सा बचा उसका py, देखो ये py दिख रहा है क्या py, तो अगर ये py है तो यहां पे कौन सा आना चाहिए py, अब pz को नहीं ला सकते, आइडेंटिटी के बॉन्ड ऐसे बना, बाकी तो आप नहीं बताओ ये समझना बाकी बॉन्ड, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड से बना पी वाई से, दिख रहा है क्या पी वाई से बना, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखो फिर तो एक्चुअली में ना, एक्चुअल में ये बॉन्ड ऐसे बने, देखो सी यहाँ पे एच यहाँ पे बी आर, ये डबल बॉन्ड सी, ठीक है? अभी देखो ध्यान से, ये खेल ऐसा है, अपने पास प्रोजेक्टर है नहीं, तो इसलिए हमारे ट्राई प्लेस पे आ जाना ना, थोड़ा पास पास आ जाना, देखो ये कार्बन दिख रहा है, देखो कार्बन है ना, ये कार्बन, तो देखो इसको मैंने ये H और ये Br लगा दिए, अभी इसमें क्या होगा मतलब का पाई बॉन्ड, एक ही दिखाऊंगा पाई बॉन्ड लग गया, समझ में आया? ठीक है अभी दूसरा पाई बॉन्ड, अभी जो दूसरा सिस्टम है, दूसरा सिस्टम ऐसा है, ये ऐसा लगा, दूसरा ऐसा देखो, ओके लेट मी गिव अ फील फॉर इट, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ओके इसी के पाई लगा और एक और लगा पाई लगा, तो ये पाई लगा दिया, ये पाई और दूसरा पाई, एक पे लेकर ना शेयर जल्दी से खाते हैं, पकड़ो इसको ऐसे लगाओ, ये ऐसा सिस्टम है, देखो ध्यान से, देखो हाँ सी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है यहाँ पे सी के एच ये भी है ये बॉन्ड बीच में का कार्बन इसे डबल बॉन्ड ये बी आर अरे बोलो क्या आपका एच देखो ये ऐसा है ना दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर यहाँ पे देखो ना देखो 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 ये एच ये बी आर दिख रहा है एच और बी आर ये बॉन्ड हो गया और देखो अभी यहाँ पे देखो ऐसा दिख रहा है क्या ऐसा इसे इसमें कौन सा बॉन्ड बन गया बल्ब का अभी यहाँ पे आ गए देखो यहाँ पे तो ऊपर वाला ये तो इसका यूज हो चुका है अब इसका कौन सा यूज करना है ये वाला तो अब इसका भी कौन सा यूज होगा ये वाला दिख रहा है इधर ही पाई बॉन्ड बन गया और देखो फिर ये एच एच देखो
खड़े क्यों करती है ऐसे फैसला दे समझ में आ रहा है दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना अभी देखो एयर लाइन चेंज होगा नहीं देखो यहां ध्यान से देखना ये बीआर है ये बीआर है और ये बीआर है एयर लाइन देखो इतना यहां से देख यहां दिख रहा है क्या बीआर बीआर का आप बोलेंगे सर सी से अभी ट्रांसमिशन लाइन चेंज होना चाहिए ना बीआर किधर जाएगा ऊपर एच किधर जाएगा नीचे देखो बीआर में ऊपर ले लिया हूं और एच किधर है देखो एयर लाइन फिर भी उतना ही देखो यहाँ पे H यहाँ पे कौन बोला होगा B और यहाँ पे B आ रहा है यहाँ पे बोला होगा H जीरो डिस्टेंस है ऐसा यहाँ से लेके यहाँ अभी समझ में आ रहा है आपने बोला B आ दिया ऐसा कुछ तीस बोला लेकिन देखो B आ ऊपर आएगा फिर भी रेडियस उतना ही रहेगा ना राइट बोलिए एरिया डिस्टेंस डज नॉट चेंज इसीलिए अगर इवन है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं समझ में आ रहा है अभी हम लोग और करेंगे ना और के लिए फिर से एक प्लेन आएगा एक नोटबुक लेके आना वहां से ऐसे मैंने लगा इसको लगाना ऐसे एग्जैक्टली ऐसे बनेगा और मैं ऐसे बनेगा देखो फिर ये एच ये बी आर ये एच नीचे कौन बोला आपका बी आर ये डिस्टेंस है सिस अभी ट्रांस में ये बी आर ऊपर जाएगा ये बी आर देखो डिस्टेंस चेंज हो गया ना और में होगा फिर से अगर मैं इवन बना तो फिर से ही प्लेन ऐसेगा एक नोटबुक लेके आना कोई भी आना सुरेश सुरेश आना सब पीछे चुप जाओ ऐसे लगाना चपटा लोग चपटा चलो छोटा कर दे इसको उसको ऐसे लगा ऐसे लगा छोटे ऐसे लगा गलत साइड में मत लगा देखो ध्यान से ये एच और ये बोलो क्या अपना उधर से एच इधर से भी आ इधर से एच ना डिस्टेंस कैसे रहेगा ऐसा इधर से भी ऐसा रहेगा ना तो बोथ विल बी सेम इसलिए इवन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा और समझ में आ रहा है डिस्कस करो नोट पार्ट देना अरे पेन दे देना मेरा जिसको फील आया वो चलेगा देखो यहाँ पे ये सही रह लेते सपोज मेरे देखो अभी लगा रहा है बीआर यहाँ पे लग रहा हूँ मैं बीआर यहाँ बोलो कब का अभी आपको देखने भी लगेगा सर एरियल लेंथ ये है एरियल लेंथ ऐसा नहीं ये एक्चुअली ऐसा है इधर और एक इधर है तो एरियल लेंथ ऐसा है बात समझ में आती है अभी हम बीआर को ऊपर लेके जाएंगे और ये इधर ही रहेगा फिर भी एरियल लेंथ ऐसा ही रहेगा बात समझ में इसीलिए एलिंस में अगर आपकी इवन क्यूमुलिंस में ये कौन सा क्यूमुलिन क्यूमुलिन डाई बस चांदी को नींद आ रही है तो बता देना चांदी चांदी बताना नहीं बस सबक करो ले अभी गलती कर देना फिर क्या हमें ज्योमेट्रिक लाइन करनी होगा नहीं क्योंकि सेम टू अटैच हो गया ना इसलिए इसे नो चाहिए भले ऑड है लेकिन ग्रुप सेम अटैच हो गया इसका क्या मतलब का श्रुति रूटीन
यहाँ पे जी आया होगा, होगा अलग अलग रूप से ना, सिस ट्रांस बाद में समझिए, लेकिन अलग अलग है तो यहाँ पे जी आया होगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है सबको, लिखो प्रोजेक्टर नहीं था इसलिए हम लोग बता नहीं था। ये ऐसा है और ये ऐसा सो है, यहाँ पे मैंने बना कर दिखाया है। ये कौन सा ऑड क्यूब यूनियन वाला है ना, ये दो पाई बॉन्ड ऐसे देखो यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड है ऐसा, ये दूसरा है ऐसा और ये ऐसा है, दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया डिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे एरिया डिस्टेंस चेंज होगी क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही रहेगी। समझ में आ रहा है?